तो जैसे गाइस आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की हुई है इस चैनल के ऊपर, जिस सीरीज का नाम है 8 पेंटिंग्स ऑफ वॉरियर्स ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि बहुत अच्छी चल रही है मेरे हिसाब से। आप लोग भी सपोर्ट जरूर करना। एंड हाँ, तो फर्स्ट वीडियो इस सीरीज की आ चुकी है एंड ये सेकेंड वीडियो जो कि आप लोग देख रहे हो, तो फर्स्ट वीडियो की आप लोगों को आई बटन में दिख रहा होगा ऑप्शन, वो भी देखिएगा, बट पहले ये वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद फिर वो देख सकते हो। तो बेसिकली यार इस सीरीज में सिर्फ पेंटिंग्स नहीं होने वाली है, आर्ट पेंटिंग्स में से कोई स्केचेस भी होने वाले हैं, तो और कोई पेंटिंग्स भी होने वाली है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों को दोनों के दोनों मिल जाएंगे, मतलब कि स्केचेस भी देखने को मिल जाएंगे और ऑयल पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली ये बताने के लिए आया हूँ कि यार अभी भी इस वीडियो, इस हमारे जो वीडियोज बनने वाली है उसके भी 6 वीडियोस बाकी है, ये 7वां वीडियो है। तो यार आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, ताकि आप लोग इनमें से कोई भी वीडियो मिस ना करो। एंड ठीक है, अगर ये पहली बार देख रहे हो इस चैनल को तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए यार। एंड हाँ, एक और चीज़ कि इस वीडियो को आप लोगों को फुल स्क्रीन मोड पर देखना है, ताकि आप लोग इस वीडियो का अच्छे से अच्छे लाभ उठा पाओ, आप लोगों को वीडियो देखने में बेटर क्वालिटी मिले। एंड ठीक है, फिर देखिए, जाइए इस वीडियो को एंड एन्जॉय कीजिए इस वीडियो को और साथ ही में उस इन्फॉर्मेशन को भी। श्री बाजी प्रभु देश पांडे एक ऐसा योद्धा जो भले ही शरीर से हार जाए पर कभी भी मन से हार नहीं सकता। ना पहले हारा था, ना अभी हारेगा और ना आगे भी हारेगा। ये एक ऐसा योद्धा था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज्य के लिए अपनी जान हंसते हंसते गंवा दी। तो बाजी प्रभु देश पांडे, आप लोग, आप सभी को एक युद्ध से परिचित होंगे, जिस युद्ध का नाम था पावन खिंड की लड़ाई। और ये घटना 1660 की है, जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान का वध कर पन्हाड़ा किले की तरफ चले गए थे और वहाँ पर उनका सामना करने के लिए आया हुआ था सिद्दी जौहर, जो कि एक मुग़लों का सरदार था जिसको बीजापुर से भेजा गया था शिवाजी महाराज को मारने के लिए। और उस सिद्दी जौहर ने चारों तरफ, पन्हाड़ा किले के चारों तरफ अपने लोगों को रखा हुआ था, यानी कि एक टाइप से शिवाजी महाराज को चारों तरफ से घेर लिया था सिद्दी जौहर ने। अब अगर वहाँ पर वो छत्रपति शिवाजी महाराज अटके रहे तो बहुत ही दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि वो कैसे ना तैसे करके छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ कर मार देगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को वहाँ से निकलना था और उनके साथ बहुत ही कम लोग थे उस किले के ऊपर। तो उन सभी ने अमावस्या की रात को चुना और सारे मावड़े और छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ के लिए निकल गए। रात बहुत थी और बहुत दूर जाना था और साथ ही में जंगल से जाना था, तो बहुत ही जो जानवर वगैरह हैं वो तो उनको तकलीफ़ देंगे ही, पर फिर भी उन तकलीफ़ों से लड़ते हुए वो सारे के सारे आगे निकल पड़े। कैसे तैसे आगे निकल गए, पर सिद्दी जौहर के जो लोग थे उन्हें लग गया कि इन्होंने हम लोग को चकमा दिया है, तो वो लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे मावड़ों के पीछे पीछा करने लग गए। बाजी प्रभु देशपांडे बांदल सेना के सरदार थे, इस वजह से उनके साथ बांदल सेना थी और छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिनमें की थे राया जी बांदल और फुलाजी प्रभु, जो कि उनके, मतलब कि बाजी प्रभु देशपांडे के बड़े भाई थे, और उनके साथ और 600 से अधिक बांदल थे, पर इनके साथ 600 थे और उनके साथ 10,000 से ज़्यादा। इसलिए लड़ाई बहुत ही कठिन थी और लगभग 21 घंटे चलने के बाद वो सभी घोड़खिंडी के पास पहुंच गए, जहां पर बाजी प्रभु देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़े थे। इस वजह से उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि महाराज आप निकल लीजिए विशालगढ़ की तरफ, मैं इन 600 मावड़ों के साथ बता दूंगा इन मुग़लों को कि क्या होते हैं मराठे इसी घोड़खिंडी में, और किसी को भी विशालगढ़ की तरफ आने नहीं दूंगा। ये सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले कि नहीं, मैं अकेला क्यों जाऊँ, मैं भी आप सबके साथ लड़ूंगा। और तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने एक वाक्य कहा था, लाख मरे तो भी चलेगा पर लाखों का पोशिंदा नहीं मरना चाहिए। ये सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज के आंखों में आंसू आ गए और उनको ना चाहते हुए भी वहाँ से निकलना पड़ा। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद बाजी और फुलाजी, ये दोनों भाई, उस घोड़खिंड में सिद्धि के सैन्य के लिए महाकाल बनकर खड़े रहे। तो लगभग 300 मावड़ों को शिवाजी महाराज के साथ भेज दिया था और घोड़खिंड में रायाजी बांदल, बाजी प्रभु और फुलाजी प्रभु, ये तीनों मिलकर और साथ ही साथ 300 खतरनाक मावड़ों के साथ वो हजारों के सैन्य का मुकाबला कर रहे थे।
उन सभी मावड़ों का 21 घंटे तक चलने के बाद शरीर भले ही थक गया था पर मन नहीं थका था। उनको अपने धर्म के लिए लड़ना था तो वो फिर भी बहुत ही ताकत से लड़ रहे थे, लगभग 7 से 6 घंटे तक। श्री बाजी प्रभु देशपांडे को अपने शरीर पर हुए जख्मों के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं था, उनका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर था, उन तोहफों के आवाज़ के ऊपर जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंचने के बाद इशारा देने वाले थे कि मैं सुखरूप हूँ। तोहफों का आवाज़ आने तक श्री बाजी प्रभु देशपांडे अपने दोनों हाथ में दांड पट्टा लेकर अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ रहे थे। मुगलों के सरदारों को ऐसा लग रहा था मानो कि वहाँ पर महादेव का महारुद्रा अवतार प्रकट हो गया है। आखिर बाजी प्रभु हार कर एक जगह पर बैठ गए और अपनी दम तोड़ने ही वाले थे तभी उन्होंने देखा कि हमारे मराठे मरते जा रहे हैं और वो मुग़ल आगे बढ़ रहे हैं। तभी उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे मरना नहीं है, अभी मुझे अपने धर्म के लिए, अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए और स्वराज्य के लिए लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। मानो कि उन्होंने यमराज को कह दिया है कि मैं अभी नहीं मरूंगा, मेरा मरने का वक्त अभी नहीं है, मुझे अपने धर्म के लिए और स्वराज्य के लिए लड़ना है। और फिर खून से लथपथ लड़ते हुए उन्हें उस तोहफों का आवाज़ सुनाई दिया और तभी उन्हें समझ आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर सुखरूप पहुंच गए और उन्होंने शिवाजी महाराज को मुजरा करते हुए अपना दम तोड़ दिया। और इनकी मरते दम तक की लड़ाई, अपने धर्म के लिए लड़ाई, अपने राजा के लिए लड़ाई और अपने स्वराज्य के लिए लड़ाई देखकर मुग़ल एक वाक्य कह गए कि काश ये ऐसा सूरमा हमारे सेना में भी होता। तो ऐसे 300 मावड़ों ने हज़ारों के मुग़ल सेना को मारा था, मतलब एक अकेले मावड़ा ने तकरीबन 40 से 50 मुग़लों को मारा था। तो ऐसे ही मरते दम तक लड़ने वाले मराठे सैनिकों के पराक्रम से और बाजी प्रभु जैसे और भी निष्ठावंत स्वराज्य निष्ठावंत लोगों के पवित्र खून से घोड़खिंड पावन हो गई। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाद में उस घोड़खिंड का नाम बदल कर पावन खिंड कर दिया। तो ऐसे थे हमारे वीर श्री बाजी प्रभु देशपांडे और कई बांदल जिन्होंने मरते दम तक अपने धर्म के लिए और स्वराज्य के लिए लड़ा दिया, जिनको लड़ते हुए देख के भी मुग़ल दुश्मनों ने अपने घुटने टेक दिए। तो ऐसे वीर मावड़ों ने और बाजी प्रभु देशपांडे जैसे और सैनिकों ने अपनी जान का बलिदान दिया हम लोगों के लिए, स्वराज्य के लिए और हमारे धर्म के लिए। तो इसी वजह से हम हिंदुस्तानियों को इनका बलिदान कभी भी नहीं भूलना है। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी और फुलाजी इन दोनों भाइयों की समाधि विशालगढ़ पर अंत्य संस्कार करके बांधी और साथ ही में पनाड़गढ़ पर बाजी प्रभु देशपांडे उनकी मूर्ति भी वहाँ पर, उनका पुतला वहाँ पर बनवाया गया। तो ऐसे थे हमारे वीर मराठे और श्री बाजी प्रभु देशपांडे। कैसी लगी इनका इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर बताना। और अगर दिल से गर्व फील करते हो ना, दिल से प्राउड फील करते हो एंड प्राउड फील करते हो कि हम लोग एक इंडियन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद। आप लोगों को यार ये श्री बाजी प्रभु देशपांडे उनकी जो ये स्केच बनाई मैंने वो अच्छा लगा होगा यार। अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए एंड साथ ही साथ यार हमारे चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि अभी भी 6 वीडियोस बाकी है और ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस आप लोगों को इस चैनल से मिलते रहेंगे। एंड साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को इस वीडियो, मतलब कि इस चैनल से जो भी वीडियो आएगी उनकी नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करो। साथ ही में आप लोगों को वो शूर मराठा जिसका नाम है श्री बाजी प्रभु देशपांडे उनके बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, जो मैंने हिस्ट्री बताई वो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी ऐसे मैं मतलब मान कर चलता हूँ। अगर लगी है तो यार कमेंट में ज़रूर बता देना ताकि मैं ऐसे ही और मोटिवेशन से
बाकी के 6 वीडियोस भी बना सकूं। एंड हाँ, एक और चीज़ कि यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो भी मैंने हम लोगों ने 8 पेंटिंग्स बनाएंगे उनकी रील्स और पोस्ट वहाँ पर आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। साथ ही में मेरे और भी पोस्ट और भी ड्राइंग्स आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो फॉलो भी कर दीजिए यार वहाँ पर। एंड हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोगों को शेयर करना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके इंस्टा ग्रुप में, या फिर आप लोगों के हर एक कॉन्टैक्ट के पास ये वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया की हिस्ट्री है, हमारे इंडिया का पास्ट है, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, जो ये मराठे रहे जिन्होंने हम लोग को फ्रीडम दिया, जिससे हम लोग अभी फ्रीली जी पा रहे, तो यार ये इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक हिंदुस्तानी के पास होनी चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए। तो ज़रूर इस वीडियो को हर एक के पास शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है ना इस सीरीज़ का, तो मैंने आई बटन में दे ही रखा है, तो जाकर के आप लोग वो देख सकते हो। ये ख़त्म ही होने वाला है, फिर जाइएगा देखने के लिए। तो हमें बता रहा था कि ये स्केच मुझे कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये 6 जो बचे हुए वीडियोज़ है उनको भी मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है हर एक इंडियन के लिए। तो प्लीज़ इनको शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके हर एक को बोल दीजिए यार सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबा देने के लिए, ताकि वो कोई भी वीडियो मिस ना करे। एंड ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट सरप्राइजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, एक चीज़ कभी मत भूलना, कीप प्रैक्टिसिंग, और एक और चीज़ मत भूलना, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।